नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बागेश्वर धाम सरकार। हिंदू धर्म के विशेष त्योहारों में से एक है यह त्योहार। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में कई लोग 9 दिनों का उपवास भी करते हैं। साथ ही नवरात्रि के व्रत को पूरा करने के लिए कन्या पूजन का भी विधान है। यह कन्या पूजन नवरात्रि के अंतिम दिनों यानी अष्टमी नवमी तिथि के दिन किया जाता है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो चुकी है। साथ ही 24 अक्टूबर को विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। अपनी रीत के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि के दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष मात्रा कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कन्या पूजन के दौरान किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, जय माता दी। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 9 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो ऐसे में चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, ऐसे कराएं कन्याओं को भोजन। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। नंबर 2, कन्याओं को भेंट में दें। ये वस्तुएं भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं। नंबर 3, कन्या पूजन में रखें। ये सावधानियां कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटें नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। नंबर 4, इस उम्र की कन्याओं को कराएं। भोजन कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। नंबर 5, शास्त्रों में कहा गया है कि 9 कन्याओं को भोजन कराना उत्तम होता है। अगर 9 से अधिक कन्याएं उपलब्ध हों तो इसे सौभाग्य मानकर सहर्ष भोजन कराएं। जो लोग 9 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते हैं उन्हें कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन करना चाहिए। 1 से अधिक जितनी कन्या होगी, कन्या भोजन का फल उतना शुभ माना जाता है। जो लोग 1 कन्या को भोजन करवाते हैं उन्हें संपूर्ण नवरात्र के दौरान हर दिन 1 कन्या को भोजन कराना चाहिए और अंतिम दिन वस्त्र, धन, फल, मिठाई देकर माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। वहीं महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें उपहार दिया जाता है। ये परंपरा काफी समय से चली आ रही है जिसका पालन ज्यादातर घरों में किया जाता है। नवरात्रि की कलश स्थापना और पूजा के साथ ही
कन्याओं को भोजन जरूर कराया जाता है। कन्याओं को उपहार में इन 5 चीजों को देने से माता रानी भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए जानें कौन सी हैं वो 5 चीजें। नंबर 1, कन्याओं का पूजन करने के साथ उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देना चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र बेहद प्रिय है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं, तो लाल रंग की चुनरी ही हर कंचक को ओढ़ाएं। इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। नंबर 2, कन्याओं को भोजन कराने में 1 फल जरूर दें। मान्यता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है, तो वहीं नारियल देवी माँ को पसंद है, इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वहीं कन्याओं को उपहार में भी दें। नंबर 3, प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान्न जरूर खिलाना चाहिए। आप चाहें को भोज में कन्याओं के लिए सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकती हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। नंबर 4, श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद उन श्रृंगार सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे देवी माँ स्वीकार कर लेती हैं। 5 चावल या जीरा परंपरा अनुसार घरर से जब बेटियां विदा होती हैं, तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए, साथ में चावल के जीरा भी देना चाहिए। अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के दौरान ऐसी कौन सी चीजें हैं या सब्जियां हैं जिन्हें खाना वर्जित होता है। अगर आप उनका सेवन करेंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। तो आइए जानते हैं, नवरात्रि के 9 दिन हिंदू धर्म में बेहद पावन होते हैं। इन 9 दिनों में लोग मां दुर्गा की आराधना करने के साथ ही व्रत उपवास भी करते हैं। वहीं जो लोग व्रत पूरे 9 दिन नहीं कर पाते, वो भी सात्विक भोजन और सात्विक दिनचर्या का पालन करते हैं। वहीं कुछ लोग इन दिनों में बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो कुछ खान पान की चीजों का इन 9 दिनों में खास तौर पर परहेज करना चाहिए। तो चलिए जाने कौन सी हैं वो चीजें जिन्हें नवरात्रि के दिनों में नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, अनाज। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीजों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, सफेद नमक। भारतीय तीखा छटपटा भोजन पसंद करते हैं, वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। नंबर 3, सब्जियां। नवरात्रि में कुछ सब्जियां तो खाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां वर्जित हैं, जैसे कि लहसुन और प्याज को नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से वर्जित किया गया है। वहीं लोग लौकी, पालक, आलू और टमाटर जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर को लोग इसलिए भोजन में शामिल कर लेते हैं क्योंकि इसे फल माना जाता है। नंबर 4, मसाले भी हैं। वर्जित नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। नंबर 5, शराब और नॉन वेज। नवरात्रि के दौरान शराब, नॉन वेज और अंडे का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित है। इसका सेवन पाप माना जाता है। वैसे इन सारी चीजों से दूरी बनाकर 9 दिनों में शरीर के विषाक्त पदार्थों को कम किया जा सकता है। अब इसी के साथ जान लेते हैं कि वो कौन सी सामग्री है जिसका व्रत में सेवन किया जा सकता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। व्रत रखते समय यह आवश्यक है कि आप सही नियमों का पालन करें। इसके कुछ नियम हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। वैसे तो नवरात्रि के सभी दिन व्रत करने का विधान है, लेकिन जो लोग सभी व्रत नहीं कर सकते, उनके लिए शास्त्रों में विकल्प भी बताए गए हैं। अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो यह जानना आवश्यक है कि आपके शरीर की ऊर्जा कैसे बनी रहे और भूख पर काबू कैसे बनाए रखें। फास्टिंग के दिनों में पोषण से भरपूर फलाहार लेकर आप माता की आराधना में एकाग्र रह सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि उपवास के दिनों में आपको क्या खाना चाहिए। नवरात्रि व्रत में करें इन चीजों का सेवन। नंबर 1, उपवास के दिनों में गेहूं खाने की मनाही होती है। इसकी जगह आप अरारोट का आटा, राजगीरा आटा, कुट्टू आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना आटा, समा चावल का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, व्रत के दिनों में आप सभी तरह के फलों का सेवन कर सकते हैं। खासकर उन फलों का प्रयोग करें जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। इससे आपके शरीर का वाटर लेवल संतुलित रहेगा, जैसे कि अंगूर, तरबूज, खरबूजा, पपीता इत्यादि। नंबर 3, उपवास के दौरान गाजर, कच्चा केला, टमाटर, खीरा का भी प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 4, व्रत के दिनों में
अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट आदि का सेवन कर सकते हैं। नंबर 5, आप डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी का खाने में उपयोग कर सकते हैं। नंबर 6, उपवास के दौरान हर तरह के साबुत मसाले, सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तु हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए? अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाता है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 2, हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल आपका पूर्ण होना चाहिए, नारियल छटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता, नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर या फिर लाल चुनरी से बांधकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल न करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते भी अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी की पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल न करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि
लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजन में इस्तेमाल न करें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा और साथ ही चैनल को लिखे शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।